दिल से सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मामा मोटर से। ये गाड़ी जो दिख रहा है, ये गाड़ी बोलेरो पिकअप ये 6 वर्षन 2। ये गाड़ी का स्टार्ट का पूरा बोला है, स्टार्ट लंबा सेल्फ होकर स्टार्ट हो रहा है, और लंबा सेल्फ होने के कारण तो ऐसे बहुत कारण से लंबा सेल्फ होने का कारण होता है। तो एक बार सेल मार के देखता है कि ऐसे लंबा सेल्फ होकर स्टार्ट होता है। और इंजन ऑन करेंगे, ऑन करो। ऑन किया है, इधर में कोई सिंगल नहीं है, सारा सिंगल ठीक है। और नया गाड़ी है, उतना रन नहीं हुआ हमारा सेल्फ। फिर से मारो, यही है बीमारी ये गाड़ी का। कभी कभी तुरंत स्टार्ट होता है, कभी कभी टाइम लगता है, और मीटर में कोई भी सिग्नल भी नहीं है। तो स्कैनर लगा करता है, स्कैनर लगा कर देखता है क्या फॉल्ट कर रही है स्कैनर में। तो फॉल्ट में जाएंगे, स्कैनर में कैमशाफ्ट सेंसर का फॉल्ट दिखा रहा है। कैमशाफ्ट सेंसर नो सिग्नल दिखा रहा है, इसके मतलब वायरिंग खराब होने से नो सिग्नल दिखाएगा, और वही कैम सेंसर शॉर्ट होने से भी ऐसे सिग्नल आएगा, और ACM खराब होने से भी ऐसे सिग्नल आएगा। एक बार वायरिंग का कैम सेंसर का काबलर खोल के देखता है, वायरिंग तो क्लियर करो एक बार। क्लियर हो गया, तो एक बार सेल मार के देखता है। मारा सेल मार, तब अभी क्लियर किया था, और फिर भी दोबारा ये सेम फॉल्ट आ गया। ये कैम सेंसर का फॉल्ट आया, कैम सेंसर का फॉल्ट आने से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। एक बार सेंसर में देखता है, पहले वाला BS6 था वो, उसका कैम सेंसर टाइमिंग कवर में था, और ये वर्षन 2 है, ये कैम सेंसर ब्लॉक में दिया है। ये राइट साइड का जो इंजन माउंटिंग है, ये इंजन माउंटिंग का इधर कैमशाफ्ट सेंसर फिटिंग कर दिया ब्लॉक में। ये रहा कैम सेंसर, ये ब्लॉक में फिटिंग कर दिया। तो इसका वायर खुलता है, ये सेंसर का काबलर ठीक ही है, वायरिंग भी ठीक ही है, और सेंसर भी दूसरा एक तो लगा कर देखे चेक किया, फिर भी नहीं हो रहा है, सेम फॉल्ट आ रहा है। सारा लाइन चेक किया, और सेंसर का काबलर और कैम सेंसर भी चेक करके चेंज करके देखा है, फिर भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है। और ये गाड़ी दूसरा जगह से हमारा इधर आया, ये गाड़ी का दूसरा जगह में काम कर चुका है, मतलब काम करने के बाद ऐसे बीमारी आ गया। और जो ये ACM बोर्ड दिख रहा है, ये ACM बोर्ड चेंज कर दिया, और ACM बोर्ड चेंज करने के बाद ये सब हमारे आ रहा है, मतलब ये ACM बोर्ड जो दिख रहा है ये वर्षन 2 का अलग होता है ACM बोर्ड, तो ये वर्षन 2 का नहीं है, तो ये वर्षन 1 का ACM बोर्ड है, इसलिए स्टार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है, और इसलिए ये कैमशाफ्ट का सेंसर बार बार आ रहा है। ये ACM के लिए स्टार्ट का प्रॉब्लम आ रहा था, मतलब ये 1 का ACM ये गाड़ी में फिटिंग कर दिया दूसरा जगह में। और ये गाड़ी हमारा जो YouTube चैनल है, चैनल का वीडियो देख कर हमारा इधर आया, बहुत दूर से आया, ये भैया का गाड़ी है। ये ACM ये गाड़ी में फिटिंग रहने से गाड़ी स्टार्ट होता है, लंबा सेल्फ होकर स्टार्ट होता है, और कभी कभी एक सेंस में स्टार्ट होता है, कभी कभी मिस होता है, और कभी कभी स्टार्ट होता है, लंबा सेल्फ होकर स्टार्ट होता है। कैम सेंसर का जो फॉल्ट है वो बार बार स्क्रीनर में आ रहा है। तो ये कैम सेंसर का फॉल्ट तो सारा चेक किया, वायरिंग सेंसर सारा चेक किया, सारा ठीक ही है। तो हमारा ये ACM में डाउट लग रहा है, और ACM में डाउट है, और ACM में डाउट कैसे है, ये पार्ट नंबर अलग है, ये वर्षन 1 का पार्ट नंबर है, इसलिए ACM नहीं मिल रहा है, और बार बार ये लैपटॉप में कैम सेंसर का फॉल्ट दिखा रहा है। तो वायरिंग चेक किया, वायरिंग ठीक है, सेंसर ठीक है, सारा ठीक है, हमको ACM को डाउट लग रहा है। तो हम ACM हमारा इधर कूलिंग नहीं होता है, हम दूसरा जगह में भेज दिया था, और आज ACM चेंज करके कूलिंग करके लेकर आया। तो एक बार दिखाता है वर्षन 2 का, एक बार ACM उधर फिटिंग कर दिया, दिखाता है उसका पार्ट नंबर भी दिखाता है। ये गाड़ी में फिटिंग कर दिया, ये चेंज कर दिया, ये जो 1 लास्ट में 4N है, और इधर 2 1N है, ये गाड़ी में था पहले फिटिंग था ये गाड़ी में, तब ये चेंज कर दिया वर्षन 2 का लेकर आया, न तो नया लेकर आया, मतलब चाबी का सेट लेकर आया, और गाड़ी में फिटिंग कर दिया, तभी गाड़ी में फिटिंग कर दिया, और गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं, और चाबी भी चेंज कर दिया, ये हो गया नया चाबी, नया चाबी लेकर आया, गाड़ी का चाबी है ओरिजिनल चाबी, ये चेंज कर दिया, ये सेटिंग नहीं होता है ये ACM का साथ, इमोबिलाइजर का साथ, ये दूसरा नया लेकर आया। तो सारा लगा दिया, और अभी स्टार्ट करेंगे, देखो भैया सारा सिंगल ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करके देखता है, स्टार्ट हो गया, और पहले तो लंबा सेल होकर स्टार्ट हो रहा था, पहले तो इधर ओबीडी तो लाइट था, ओबीडी लाइट कंटिन्यू आ रहा था, अभी कोई सिग्नल नहीं है मीटर में, ये स्टार्ट करके फिर ऑफ करेंगे, तो फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टार्ट।
पहले स्टार्ट हो रहा था, मतलब लंबा सेल हो गया स्टार्ट हो रहा था और कभी कभी मिस भी कर रहा था। तो ये एसीएम का बीमार था, एसीएम के लिए स्टार्ट नहीं हो रहा था और कर रहा है। तो ये एसीएम का फॉल्ट था और एसीएम दूसरा जगह में एक भैया ने चेंज कर दिया था और ये वन का वर्सन वन जो है वन का एसीएम लगा दिया था और वन का एसीएम लगाने से स्टार्ट का प्रॉब्लम आता है और कैमशाफ्ट सेंसर का जो है वो सेंसर का खाली बार बार फॉल्ट आता है। तो ये काम एसीएम के लिए मतलब एसीएम के लिए स्टार्ट का प्रॉब्लम आ रहा था और एसीएम चेंज कर दिया। अभी स्टार्ट कोई ठीक स्टार्ट भी ठीक ही है और गाड़ी में कोई मीटर में कोई सिंगल भी नहीं है। तो एसीएम का फॉल्ट था और ये गाड़ी तो पहले बोला हमारा पास बहुत दूर से आया है, हमारा जो यूट्यूब वीडियो है वीडियो देख कर आया। तो ये वीडियो अच्छा लगा लाइक और शेयर जरूर करना और आइए मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए।